नमस्कार दोस्तों, आजकल एक हेयर प्रॉब्लम बड़ी तेजी से बढ़ रही है जो कि है व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम। दोस्तों, जो सफेद बाल हमें 40s की उम्र में देखने को मिलते थे, आज वो 30s में या फिर अर्ली 20s में ही दिखना स्टार्ट हो गए हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन बताया जाता है कि जो हमारा हेयर फॉलिकल होता है उसमें जो सेल्स हैं वहां पे मेलानिन प्रोडक्शन कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से हेयर कलर चेंज होने लग जाता है। दोस्तों, इसके पीछे 3 मेन कारण है। और दोस्तों, अगर आपके भी ग्रे हेयर होने लग गए हैं, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इन तीनों में से किस कारण आपके ग्रे हेयर हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कारण पता होगा फिर ही उसका राइट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ग्रे हेयर जल्दी होते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आपके भी ग्रे हेयर जल्दी आने लग जाएंगे। और इस केस में मेरी एडवाइस है कि आप ज्यादा प्रोडक्ट्स पे पैसा मत फूकिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका हेयर कलर रिस्टोर होएगा। दूसरा जो केस होता है वो होता है स्ट्रेस या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो अगर स्ट्रेस या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण आपके ग्रे हेयर होने लग गए हैं, इसको ठीक किया जा सकता है अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करके। लाइक स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप योगा या फिर मेडिटेशन वगैरह अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा जो मेन कारण है ग्रे हेयर होने का, जिस वजह से मेरे भी ग्रे हेयर होने लग गए हैं दोस्तों, ये है लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब बालों को जो प्रॉपर खुराक चाहिए वो ना मिल पाना। नॉर्मली 4 ऐसे विटामिन्स हैं जो कि बालों को चाहिए होते हैं ताकि वो ग्रे हेयर में चेंज ना हो, जो कि हैं विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी एंड विटामिन डी। और दोस्तों, इसके अलावा आप सिट्रस फ्रूट भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और है जो कि आप कर सकते हैं ग्रे हेयर से बचने के लिए, जो कि है एक अच्छे सप्लीमेंट को अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड करना। और दोस्तों, पिछले 4 वीक्स से मैं एक प्रोडक्ट ट्राई कर रहा था जो कि है इस ट्राइचोल्स का ग्रे हेयर सीरम। दोस्तों, ये सीरम क्लेम करता है कि इसको यूज करने से आपके जो ग्रे हेयर हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये कितने परसेंट काम करता है ग्रे हेयर पे और क्या इसको खरीदना वर्थ इट है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हेयर सीरम है ये मेंस के लिए भी है एंड वुमेन्स के लिए भी है। तो मेंस एंड वुमेन्स दोनों के हेयर को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। और ये हेयर सीरम बेसिकली 3 चीजें क्लेम करता है। पहली चीज है कि ये हेयर सीरम हेयर एजिंग पे काम करेगा, जिसका मतलब है कि आपकी जो हेयर की ओवरऑल हेल्थ है उसको ये प्रमोट करेगा। दूसरी चीज है कि जो आपके हेयर का नेचुरल कलर है उसको ये रिस्टोर करेगा। और तीसरी जो मेन चीज है कि ये ग्रे हेयर पे काम करता है और उसको आगे बढ़ने से रोकता है। अब दोस्तों, ये जो हेयर सीरम है ये डायरेक्टली हेयर रूट पे काम करता है, मतलब बालों की जो जड़ होती है वहां पे ये इफेक्ट करता है और वहां पे जाके जो बालों को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इसमें 4 ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो कि बालों के न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है बायोटिन। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि बायोटिन या फिर विटामिन B12 बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बालों को स्ट्रांग एंड हेल्दी रखने के लिए बायोटिन मेन रोल प्ले करता है। उसके अलावा इसमें यूज किया गया है आर्चोलिस। दोस्तों, ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी के साथ प्रोड्यूस किया गया है और ये बेसिकली फर्दर हेयर ग्रेइंग को रोकता है, मतलब जितने बाल आपके ग्रे होने थे हो गए उसको आगे बढ़ने से ये रोकेगा। दोस्तों, इसके अलावा इसमें एनागेन का भी यूज किया गया है और दोस्तों ये एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट है ना जो कि हेयर की ओवरऑल ग्रोथ पे काफी अच्छा वर्क करता है, मतलब हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। दोस्तों, इसमें एक अलग WK पेप मेल्डिट नाम का इंग्रेडिएंट यूज किया गया है जो कि दोस्तों मेलानिन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करता है, जिसके आपके हेयर का नेचुरल कलर जो है वो रिस्टोर होता है। अब दोस्तों, मुझे इस हेयर सीरम की एक बात ये भी अच्छी लगी कि इसमें ना इन्होंने कुछ पैराबेन्स, सिलिकॉन्स, SLS यहां तक कि अल्कोहल्स भी यूज नहीं किए हैं। इसको यूज करना सेफ बन जाता है, तो आप बिना डरे इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, मुझे इससे क्या बेनिफिट्स मिले हैं और कितने परसेंट ये ग्रे हेयर पे काम करता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आप जान लीजिए कि इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको सही तरीका नहीं पता होगा इसको यूज करने का तो इसका जो प्रॉपर इफेक्ट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसको यूज करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके जो बाल हैं और आपके जो स्कैल्प है वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। तो आप यहां पे शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं ताकि बालों में कोई भी डर्ट पार्टिकल्स, ऑयल्स वगैरह ना हो। उसके बाद अपने ड्रॉपर की मदद से इस सीरम को डायरेक्टली वहां पे अप्लाई करना है जहां पे आपके ग्रे हेयर्स हैं। तो डायरेक्टली रूट्स पे आपने अप्लाई करना है, बालों के अपर पार्ट पे अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली रूट्स पे काम करता है। तो जहां-जहां भी आपके ग्रे हेयर हैं डायरेक्टली वहां पे आप इसको अप्लाई कर
लीजिए और जैसे ही आप इसको सारे ग्रे हेयर्स पे अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपने हल्की सी मसाज करनी है। मसाज इसलिए करनी है ताकि ये जो सीरम है आपकी स्कैल्प के अंदर चला जाए। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि इस सीरम को लगाकर फिर थोड़ी देर बाद वॉश कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जब आप इस सीरम को यूज कर लेते हैं कम से कम 2 या 3 घंटे ही आपके बालों में रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फिर ये इसका प्रॉपर इफेक्ट नोटिस होता है। और यहाँ पे ब्रांड ने लिखा है कि आप इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसको दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको दिन में 1 ही बार यूज करता हूं और मैं इसको 1 दिन का गैप डाल के यूज कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि बालों के जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको भी रिस्टोर होने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए 1 दिन का गैप तो बनता है। अब दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि इस सीरम को 4 हफ्ते यूज करने के बाद इसने क्या इफेक्ट प्रोड्यूस किया है मेरे ग्रे हेयर्स पे। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी जो इस सीरम को लेकर एक्सपेक्टेशंस थी वो काफी ज्यादा लो थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी चीजें ट्राई कर रहा था लेकिन ग्रे हेयर्स पे उनका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही इस सीरम को मैंने यूज करना स्टार्ट किया, मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि न्यू ग्रे हेयर्स अब नहीं आ रहे हैं, मतलब जो नए ग्रे हेयर्स हैं वो आना बंद हो गए थे। उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग ग्रे हेयर्स हैं उस पे भी इसने 30% तक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। और दोस्तों अगर आपके ग्रे हेयर्स पे ये सीरम इतना भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना, यकीन मानिए ये काफी अच्छा सीरम है, क्योंकि दोस्तों ग्रे हेयर को रिवर्स करना और आपके हेयर का नेचुरल कलर रिस्टोर करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं सीरम से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसने जो बालों पे इफेक्ट प्रोड्यूस किया है ना दोस्तों, यकीन मानो काफी अच्छा इफेक्ट है। दोस्तों उसके अलावा जो बालों का नेचुरल कलर है उसको रिस्टोर करने में भी इसने काफी अच्छी हेल्प करी है। दोस्तों पहले जो मेरे बालों का कलर था वो डार्क ब्लैक था, लेकिन धीरे धीरे वो फेड होने लग गया था, लेकिन अब मैं नोटिस कर रहा हूं कि थोड़ी सी डार्क टोन बालों में नजर आ रही है, वो सारा कुछ इसी सीरम की देन है। और दोस्तों अगर आपके भी बाल ग्रे होने लग गए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार इस हेयर सीरम को ट्राई करके देखो, आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। प्राइस की बात करूं तो इसका एमआरपी प्राइस थोड़ा हाई रखा गया है, जो कि है 675 रुपीज, लेकिन आपको ये ऑनलाइन काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करना और दोस्तों इस वीडियो को ना अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसके अभी ग्रे हेयर आना स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।